नागपुरी संतरे के नाम से मशहूर नूरपुरी संतरा खत्म होने की कगार पर है। अर्पण रवि ने बताया कि नूरपुर का संतरा बहुत अच्छी कीमत पर मिल रहा है। इस बार संतरे का साइज भी बहुत अच्छा है, संतरा खरीदने वाले भी काफी तादाद में आ रहे हैं। नागपुरी संतरे के नाम से मशहूर नूरपुरी संतरा खत्म होने के कगार पर है। अर्पण रवि ने बताया कि नूरपुर का संतरा बहुत अच्छी कीमत पर मिल रहा है। इस बार संतरे का साइज भी काफी अच्छा है, संतरा खरीदने वाले भी काफी तादाद में आ रहे हैं। हमारे नूरपुर के लोकल संतरा है, इनका बड़ा अच्छा रेट में भाई ने लगाया हुआ है यहाँ पे, और लोकल है, बगीचा है भाई साहब का बासा बजीरा में, और ये 30 रुपए रेट है इनका, बहुत अच्छा रेट है, और इस टाइम साइज भी इसका बहुत बढ़िया है, और इसकी वजह से भी, लेकिन फिर भी इसका साइज बहुत अच्छा है। लोकल संतरा है नूरपुर का, पिछले साल से इसका जो साइज है वो भी काफी अच्छा है, और कस्टमर का भी आ रहे हैं मैक्सिमम काफी, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी काफी फायदा मिलेगा इससे। और मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि जब भी नूरपुर आए तो लोग नूरपुर का संतरा खा के ही जाए, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। वही बागवान मुकेश ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि जो नूरपुर का संतरा है, जिसकी वजह से नूरपुर क्षेत्र की पहचान हुआ करती थी, अब उस क्षेत्र से ये संतरा समाप्त हो रहा है। संतरा समाप्त होने के क्या कारण है? संतरे से बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, आर्थिक आय बढ़ती थी। सरकार से आग्रह है कि हमारे क्षेत्र का जो संतरा लिप्त हुआ है उसे सर्वाइव करने के लिए दोबारा से उचित कदम उठाएं। अगर इसमें मिट्टी की कोई समस्या आ रही है या कोई अन्य समस्या आ रही है वो किसानों को पता होना चाहिए। किसानों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है, जिससे किसानों की किसी भी प्रकार से मदद नहीं हो रही है। उस संतरे को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। नूरपुर इंदौरा क्षेत्र संतरे के नाम से पहचाना जाता था, जिसे छोटा नागपुर भी कहते थे, ताकि इस इलाके को फिर से नया जीवन दान मिल सके। हमारा हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये जो नूरपुर का संतरा है, जिसकी वजह से नूरपुर क्षेत्र की एक पहचान हुआ करती थी, अब इस क्षेत्र से धीरे 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 ये संतरा समाप्त हो गया है। इसके क्या कारण है? संतरा समाप्त होने के कारण है क्योंकि बागवानों के इसके ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होती थी, इससे बागवानों की इससे आर्थिक आय बढ़ती थी। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये जो संतरा हमारे इलाके का लुप्त हुआ है, इसको दोबारा फिर से सर्वाइव करने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। अगर इसमें कोई मिट्टी का कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है या कोई ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, वो किसानों को पता होने चाहिए, और किसानों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जिससे किसानों की कोई किसी तरह की मदद नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि किसान या बागवान जो भी हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस संतरे को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार विशेष पंग उठाए, ताकि नूरपुर इंदौरा और ये हमारा जो इलाका था, एक इस संतरे की वजह से जाना पहचाना जाता था, जिसे छोटा नागपुर कहते थे, इस इलाके को फिर से नया जीवन दान मिल सके। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।